हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 7.6 को हल करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न फलनों के लिए रोल प्रमेय की सत्यता की जांच कीजिए। जिसके ए पार्ट में दिया गया फलन है, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर एक, और दिया गया अंतराल है पाई बटे चार से 5π/4। चूंकि दिए गए फलन में e^x, sin x और cos x ये तीनों ही फलन सर्वत्र सतत और अवकलनीय होते हैं, इसलिए यह फलन दिए गए बंद अंतराल में सतत होगा और इससे बनने वाले खुले अंतराल में अवकलनीय भी होगा। इस प्रकार भाषा को लिखने के बाद हमने दो शर्तों की जांच कर ली है। अब आखिरी शर्त होती है FA = FB। उसके लिए हम लोग f π/4 का मान ज्ञात करते हैं, जो कि होगा e π/4 sin π/4 -cos π/4। हम जानते हैं कि sin 45 और cos 45 का मान एक जैसा होता है, इसलिए ये कैंसिल होकर बनाएंगे 0, और 0 का गुणा किसी भी संख्या से कर दें तो उत्तर प्राप्त होगा 0। इसी प्रकार f 5π/4 से मान ज्ञात होगा e^5π/4 sin 5π/4 -cos 5π/4, जिनके मान पुनः एक जैसे प्राप्त होंगे और इनको कैंसिल करने पर हमें उत्तर प्राप्त होगा 0। इसलिए f π/4 इक्वल प्राप्त हो रहा है f 5π/4। इसका मतलब रोल प्रमेय की तीनों शर्तें पूरी होती हैं, इसलिए खुले अंतराल π/4 5π/4 में कम से कम एक बिंदु C ऐसा होगा जिसके लिए f'C = 0 हो। अब f'C के लिए पहले हम दिए गए फलन fx = e^x sin x -cos x का एक बार अवकलन करेंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा f'x, जिसमें u×v मेथड से यदि हम अवकलन करें तो u को छोड़कर v का अवकलन प्राप्त होगा cos x + sin x, और v को छोड़कर यदि हम u का अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा e^x। इस आधार पर e^x कॉमन लेने पर cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा और बाकी बचेगा sin x और sin x, यानी कि 2sin x। तो ओवरऑल आंसर बनेगा 2e^x (sin x). इसका मतलब यदि हम f'C का मान ज्ञात करें तो प्राप्त होगा 2e^C (sin C), यानी आपको हमेशा f'x का मान ज्ञात करना है और जिसमें x के स्थान पर आपने रखना है c। इस आधार पर यहाँ पर आ जाए = 0। अब 2 और e^C का लगा देते हैं भाग, तो इससे हमें sin C का मान प्राप्त होगा 0, और sin का मान 0 हो तो C का मतलब हो सकता है 0, पाई इत्यादि, जिसमें से C = पाई π/4 और 5π/4 के मध्य में स्थित होगा। अतः दिए गए फलन के लिए रोल प्रमेय सत्यापित होती है, और आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या हम यूं भी कह सकते हैं कि रोल प्रमेय वैध है। बी पार्ट में दिया गया फलन fx = x - a^m (x - b^n) है, जहां पर m और n का मतलब है नेचुरल नंबर, और अंतराल दिया गया है बंद अंतराल AB। अब इस क्वेश्चन में जो बात हमें ध्यान देनी है वो ये है कि m और n के मान n से होंगे, यानी 1, 2, 3, 4 कुछ ऐसे मान होंगे, जिसकी वजह से ये पद हमेशा बहुपद के रूप में होंगे, और हम जानते हैं कि बहुपद फलन सर्वत्र सतत और अवकलनीय होते हैं, तो ये विशेषतः बंद अंतराल AB में सतत और खुले अंतराल AB में अवकलनीय भी होंगे। इसके बाद हम FA और FB का मान ज्ञात करते हैं, जिसमें FA का मतलब होगा a - a^m
इंटू ए माइनस बी की पावर एन, जिसमें इस पद का मान प्राप्त होगा 0, तो ओवरऑल आंसर बनेगा 0। इसी प्रकार यदि एफ बी का मान ज्ञात करें तो बी माइनस ए की पावर एम इंटू बी माइनस बी की पावर एन, जिसमें इस पद का मान 0 होने की वजह से ओवरऑल आंसर मिलेगा 0। इसका मतलब एफ ए इक्वल हमें प्राप्त होगा एफ बी। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में या दिए गए फलन में रोल प्रमेय की तीनों शर्तें पूर्ण होती हैं, इसलिए खुले अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु सी ऐसा अवश्य विद्यमान होगा जिसके लिए एफ डैश सी का मान हो 0। और अब एफ डैश सी का मान ज्ञात करने के लिए पहले हम एफ एक्स का एक बार अवकलन करते हैं, जिससे हमें प्राप्त होगा एफ डैश एक्स। ये दो फलनों का गुणा है जिसको यू इंटू वी से हम अवकलन करते हैं, जिसमें फर्स्ट को छोड़ दिया और जो सेकंड पद है उसका अवकलन प्राप्त होगा एन इंटू एक्स माइनस बी की पावर एन माइनस वन, और उसके बाद एक्स माइनस बी का अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा 1, प्लस सेकंड फंक्शन को छोड़ देते हैं और इसी प्रकार फर्स्ट फंक्शन का अवकलन हमें प्राप्त होगा एम इंटू एक्स माइनस ए की पावर एम माइनस वन इंटू एक्स माइनस ए का अवकलन 1, जिसमें से हम यदि कॉमन लें तो एक्स माइनस ए की पावर एम माइनस वन और एक्स माइनस बी की पावर एन माइनस वन आएगा कॉमन, जिसके बाद अंदर बचेगा एक एक्स माइनस ए और इंटू में एन, प्लस एक बार एक्स माइनस बी और इंटू में एम, जो कि एफ डैश एक्स का मान होगा, जिससे एफ डैश सी इक्वल 0 हमें प्राप्त होगा। इसमें जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ हम रख देंगे सी, तो हमें प्राप्त होगा सी माइनस ए की पावर एम माइनस वन सी माइनस बी की पावर एन माइनस वन इंटू एन इंटू एक्स माइनस ए सी माइनस ए प्लस एम इंटू सी माइनस बी इज इक्वल टू दी 0, जिसमें इन दो पदों का लगा देते हैं भाग तो हमें प्राप्त होगा एन सी माइनस एन ए प्लस एम सी माइनस एम बी इक्वल 0, जिसमें से c का मान ज्ञात करने के लिए हम इन दो पदों में से c कॉमन लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा m प्लस एन इंटू सी, और इन दो पदों को उधर शिफ्ट कर देते हैं जिससे हमें प्राप्त होगा एम बी प्लस एन ए। इस आधार पर c का मान प्राप्त होगा एम बी प्लस एन ए अपॉन m प्लस एन, जो कि निश्चित तौर पर खुले अंतराल में ही उपस्थित होगा। इस प्रकार दिए गए फलन के लिए रोल प्रमेय वैध है या रोल प्रमेय सत्यापित होती है, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फलन है एफ एक्स बराबर मोड एक्स और दिया गया अंतराल है माइनस एक से एक। अब हम जानते हैं कि मापांक फलन सर्वत्र सतत होते हैं, इसलिए वह दिए गए बंद अंतराल में भी सतत होगा। लेकिन यह मापांक फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होता, अतः वह खुले अंतराल माइनस एक से एक में भी अवकलनीय नहीं होगा, क्योंकि 0 जो पॉइंट है वह माइनस एक और एक के बीच में कहीं होता है। अतः इससे रोल प्रमेय की सभी शर्तें पूरी नहीं होती, इसलिए दिए गए फलन के लिए रोल प्रमेय वैध नहीं होगी, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फलन एक दो घात का बहुपद है जो कि सर्वत्र सतत और अवकलनीय होता है, अतः यह विशेष रूप से माइनस चार से दो बंद अंतराल में सतत होगा और खुले अंतराल में अवकलनीय होगा। और अब हम f माइनस चार और f दो का मान ज्ञात करते हैं, जिसमें f माइनस चार का मान बनेगा माइनस चार का स्क्वायर 2 गुणा में माइनस चार और माइनस आठ, जिससे उत्तर प्राप्त होगा 0। इसी प्रकार हम एफ दो का मान ज्ञात करते हैं जो हमें प्राप्त होगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2 माइनस आठ, जिससे ओवरऑल आंसर फिर से मिलेगा 0, यानी इससे हमें एफ दो
और f माइनस चार का मान इक्वल मिल रहा है, अर्थात दिए गए फलन के लिए रोल प्रमेय की तीनों शर्तें पूर्ण होती हैं। इसलिए खुले अंतराल माइनस चार से दो में कम से कम एक बिंदु c ऐसा अवश्य होगा जिसके लिए f डैश c का मान जीरो हो, और इसे आगे हल करने के लिए हम f का अवकलन करते हैं जो कि हमें प्राप्त होगा 2x प्लस 2। यानी हम यदि f डैश c इक्वल जीरो को हल करें तो हमें प्राप्त होगा 2c प्लस 2 इज इक्वल जीरो, जिसको हल करने पर c का मान प्राप्त होगा माइनस एक, जो कि माइनस चार और दो के बीच में होगा। अतः इस फलन के लिए रोल प्रमेय वैध है या सत्यापित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए फलन में कोई अंतराल नहीं है, लेकिन हम यदि ध्यान दें तो इसमें सबसे छोटा मान है जीरो और सबसे बड़ा मान है दो, अतः इसके अंदर अंतराल होगा बंद अंतराल जीरो से दो। और इस फलन में हमें पहले बिंदु एक पर सतत और अवकलनीय होने की जांच करनी होगी, और यदि यह एक पर सतत होगा तो यह बंद अंतराल जीरो दो में सतत होगा, अन्यथा नहीं। और इसी प्रकार यदि ये एक पर अवकलनीय होगा तो यह खुले अंतराल जीरो दो में अवकलनीय होगा, अन्यथा नहीं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा बंद अंतराल जीरो दो में सततता, और इसके लिए हम x बराबर एक पर सततता की जांच करेंगे, और इसके लिए हमें आवश्यकता होती है फलन के मान की। और x बराबर एक पर फलन का मान होगा f एक, इक्वल एक यहाँ है जिसके संगत फलन होगा एक्स स्क्वेयर प्लस वन, तो हम x के स्थान पर एक रखेंगे तो हमें ओवरऑल उत्तर प्राप्त होगा दो। इसी प्रकार हम ज्ञात करते हैं बाई सीमा, और x बराबर एक पर बाई सीमा होगी f एक माइनस जीरो, जिसका सूत्र प्राप्त होगा लिमिट h टेंस टू जीरो f एक माइनस एच। एक माइनस एच का मतलब एक से छोटा मान जिसके संगत ये वाला अंतराल, और फलन फिर से हमें लेना होगा एक्स स्क्वेयर प्लस वन, लेकिन इस बार हम x के स्थान पर रखेंगे एक माइनस एच, तो हमारा बन जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो एक माइनस एच का स्क्वायर प्लस वन, जिसमें यदि हम लिमिट अप्लाई करें तो h की जगह रखा जाएगा जीरो, तो ओवरऑल वैल्यू फिर से प्राप्त होगी दो। इसी प्रकार हम ज्ञात करते हैं x बराबर एक पर दाई सीमा, जो कि होगी f एक प्लस जीरो, और यदि हम सूत्र लगाएं तो लिमिट h टेंस टू जीरो f एक प्लस h। एक प्लस h का मतलब एक से बड़ा ये अंतराल, जिसके संगत फलन होगा तीन माइनस एक्स, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो तीन माइनस एक्स के स्थान पर होगा एक प्लस h, जिसमें लिमिट अप्लाई करें h का मान जीरो रखें तो हमें ओवरऑल आंसर फिर से प्राप्त होगा दो। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि तीनों मान एक जैसे हमारे पास आ रहे हैं, अतः यह फलन x बराबर एक पर सतत होगा। इसलिए फलन बंद अंतराल 0-2 में सतत होगा, जो कि रोल प्रमेय की पहली शर्त थी। अब हमने 0 और 2 पर जांच इसलिए नहीं की है क्योंकि 0 पर यहाँ पर फलन है x स्क्वायर प्लस एक, जो कि 2 घात का बहुपद है और वह सर्वत्र सतत होता है। इसी प्रकार x बराबर 2 पर फलन है 3 माइनस एक्स, जो कि 1 घात का बहुपद है और वह भी सर्वत्र सतत होता है। इसलिए केवल x बराबर 1 पर हमने जांच की है और उस पर फलन सतत आया है, तो यह बंद अंतराल में भी सतत होगा। नेक्स्ट है खुले अंतराल 0-2 में अवकलनीयता, और इसके लिए हम पुनः बिंदु x बराबर 1 पर ही जांच करने वाले हैं, और यदि यह 1 पर अवकलनीय हुआ तो इसे खुले अंतराल में भी अवकलनीय मान लिया जाएगा। अब हमें आवश्यकता होगी f1, f एक माइनस एच और f एक प्लस एच के मान की, जो होंगे दो, एक माइनस एच का स्क्वायर प्लस एक और तीन माइनस एक प्लस एच, जिनको आगे हल किया जाए तो हमें प्राप्त होगा दो प्लस एच स्क्वायर माइनस दो एच, और यहां से प्राप्त होगा दो माइनस एच, जिसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर दो। अब ज्ञात करते हैं
एक्स बराबर एक पर बायां अवकलज, जिसका मान होगा एफ डैश एक माइनस जीरो इज इक्वल टू दी लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक माइनस एच माइनस एफ एक और बटे में माइनस एच, जिसमें मान रखते हैं समीकरण नंबर दो से, तो हमें प्राप्त होगा दो प्लस एच स्क्वायर माइनस दो एच माइनस दो और बटे में माइनस एच, जिसमें दो से दो हो जाएगा कैंसिल, अंश में से कॉमन लेते हैं एच, तो हमें प्राप्त होगा एच माइनस दो और अपॉन माइनस एच, जिसमें एच से एच कैंसिल कर दें और बाकी पर लिमिट अप्लाई करें तो हमें उत्तर प्राप्त होगा दो, जो कि बायां अवकलज का मान होगा। इसी प्रकार हम ज्ञात करते हैं दायां अवकलज, जिसका मान होगा एफ डैश एक प्लस जीरो इज इक्वल लिमिट एच डैश टू जीरो एफ एक प्लस एच माइनस एफ एक और अपॉन एच, समीकरण दो से मान रख देते हैं तो प्राप्त होगा दो माइनस एच माइनस दो बटे में एच, जिसमें दो से दो कैंसिल और शेष है माइनस एच बटे में एच, जिनका भाग दें तो उत्तर प्राप्त होगा माइनस एक, लिमिट अप्लाई करें तो उत्तर प्राप्त होगा माइनस एक। अब यहाँ से स्पष्ट है कि दोनों अवकलज के मान एक समान नहीं हैं, इसलिए दिया गया फलन x बराबर एक पर अवकलनीय नहीं होगा। इसलिए फलन fx खुले अंतराल 0-2 में अवकलनीय नहीं होगा। अतः इसमें रोल प्रमेय की सभी शर्तें पूरी नहीं होती, इसलिए दिए गए फलन के लिए रोल प्रमेय वैध नहीं है, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फलन एक महत्तम पूर्णांक फलन है, जो कि प्रत्येक पूर्णांक पर असतत होता है, इसलिए यह फलन बंद अंतराल -2 से 2 के प्रत्येक पूर्णांक पर भी असतत होगा, या यूं कहें कि यह इस दिए गए बंद अंतराल में असतत होगा। अतः इस फलन के लिए रोल प्रमेय की सभी शर्तें पूरी नहीं होती, अर्थात दिए गए फलन के लिए रोल प्रमेय वैध नहीं है, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दो में हमें निम्नलिखित फलनों के लिए रोल प्रमेय का सत्यापन करना है, जिसका ए पार्ट है दिया गया फलन, जो कि एक दो घात का बहुपद फलन है, और हम जानते हैं कि बहुपद फलन सर्वत्र सतत और अवकलनीय होते हैं, तो यह विशेष रूप से इस बंद अंतराल में सतत और खुले अंतराल में अवकलनीय होगा। इस प्रकार रोल प्रमेय की शुरुआत वाली दो शर्तें पूर्ण हो जाती हैं। तीसरी शर्त के लिए हम एफ माइनस तीन का मान ज्ञात करते हैं, जो कि प्राप्त होगा -3 का स्क्वायर 5 × -3 और प्लस में 6, जिससे ओवरऑल वैल्यू मिलेगी 0। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे एफ माइनस दो, जो कि होगा -2 का स्क्वायर प्लस 5 × -2 और प्लस 6, जिससे पुनः प्राप्त होगा 0, यानी एफ माइनस तीन इक्वल एफ माइनस दो, जिससे रोल प्रमेय की तीसरी शर्त भी पूरी हो जाती है। इसलिए खुले अंतराल -3 -2 में न्यूनतम एक बिंदु C ऐसा होगा जिस पर एफ डैश C का मान 0 हो। और अब C का मान ज्ञात करने के लिए हम इसका अवकलन करते हैं, जो कि हमें प्राप्त होगा 2x + 5, तो हमें प्राप्त होगा 2C + 5 = 0, जिसको हल करें तो C का मान प्राप्त होगा -5/2, जो कि निश्चित -3 और -2 के मध्य कहीं स्थित होगा। इसलिए दिए गए फलन के लिए रोल प्रमेय सत्यापित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फलन है e^-x (sin x), और हम जानते हैं कि e^-x सर्वत्र सतत और अवकलनीय होता है, और साइन एक्स भी सर्वत्र सतत और अवकलनीय होता है, और हम यह भी जानते हैं कि किन्हीं दो सर्वत्र सतत और अवकलनीय फलनों का गुणन भी
सर्वत्र सतत और अवकलनीय ही होता है। इस प्रकार दिया गया फलन एफ एक्स सर्वत्र सतत और अवकलनीय होगा, या यूं कहें कि वह बंद अंतराल 0π में सतत और खुले अंतराल 0π में अवकलनीय होगा। इस प्रकार रोल प्रमेय की पहली दो शर्तें पूर्ण होती हैं, और तीसरी शर्त के लिए हम f 0 का मान ज्ञात करेंगे और f पाई का मान भी ज्ञात करेंगे, जो कि प्राप्त होगा e की पावर 0 और साइन 0 और e की पावर -π और साइन पाई। साइन 0 और साइन पाई का मान होता है 0, जिससे ओवरऑल वैल्यू प्राप्त होगी हमें 0, यानी कि f 0 इक्वल होगा f पाई। इस प्रकार रोल प्रमेय की तीनों शर्तें पूरी होती हैं, इसलिए खुले अंतराल 0 और पाई में कम से कम एक बिंदु C ऐसा अवश्य होगा जिसके लिए f डैश C इक्वल 0 हो। और अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसका एक बार हम अवकलन करते हैं, जिसका अवकलन होगा u इंटू वी से। और अब यदि हम e की पावर -x इंटू साइन एक्स का अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का अवकलन cos प्लस सेकंड को छोड़कर फर्स्ट का अवकलन e की पावर -x और -1, यानी ओवरऑल e की पावर -x कॉमन लेने पर हमें मिलेगा cos x माइनस साइन एक्स। इसलिए f डैश c इक्वल 0 से हमें प्राप्त होगा e की पावर -c cos c माइनस साइन c इज इक्वल 0, जिससे इस पद का दूसरे साइड में लगाएं भाग तो हमें प्राप्त होगा cos c माइनस साइन c इक्वल 0, या यूं कहें कि साइन c इक्वल cos c। और साइन और cos का मान 45 डिग्री पर एक जैसा आता है, तो c का मान लिख दिया π/4, जो कि खुले अंतराल 0 और पाई के मध्य में स्थित होगा। इस प्रकार दिए गए फलन के लिए रोल प्रमेय सत्यापित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एफ एक्स दिया है एक्स इंटू 1 - x का रूट, और अंतराल दिया गया है बंद अंतराल 0 से 1। अब यह दिया गया फलन कोई सतत फलन के रूप में वर्गीकृत नहीं हो रहा है, तो अतः हम इस दिए गए अंतराल में इस फलन के मान पर विचार करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले x बराबर 0 पर इस फलन का मान ज्ञात करते हैं, तो हमें प्राप्त होगा 0 इंटू 1 - 0 का रूट, यानी ओवरऑल वैल्यू प्राप्त होगी 0, जो कि एक वास्तविक संख्या है। इसी प्रकार हम 1 पर फलन का मान ज्ञात करके देखें तो 1 - 1 - 1 का रूट इज इक्वल, ये भी हमें प्राप्त होगा 0, जो कि एक वास्तविक संख्या है। और इसके मध्य में स्थित कोई मान लेते हैं, जैसे x का मान ले लिया 1/2, उस पर इस फलन का मान ज्ञात करें तो हमें प्राप्त होगा 1/2 1 - 1/2 विद इन द रूट, जो कि कुछ भी आए लेकिन एक वास्तविक संख्या ही होगा। इस प्रकार यदि हम प्रत्येक बिंदु पर विचार करेंगे तो इस फलन का मान दिए गए अंतराल में एक वास्तविक संख्या ही होगा, अतः दिया गया फलन इस बंद अंतराल 0, 1 में सतत होगा। इसके लिए भाषा कुछ इस प्रकार लिखी जाएगी, क्योंकि फलन बंद अंतराल 0, 1 के प्रत्येक बिंदु पर वास्तविक मान ग्रहण करता है, इसलिए एफ एक्स 0, 1 के बंद अंतराल में सतत होगा। इससे रोल प्रमेय की पहली शर्त पूरी हो जाती है। अब हम खुले अंतराल में अवकलनीयता की बात करेंगे, लेकिन हमारे पास दिया गया फलन ऐसा नहीं है जो कि सर्वत्र अवकलनीय फलन के रूप में वर्गीकृत हो सके। इसके लिए हम एफ डैश एक्स का मान ज्ञात करते हैं, जिससे हमें एफ डैश एक्स इक्वल, यहाँ पर हम यू इंटू वी का यूज़ करेंगे, यानी रूट एक्स और रूट 1 - x, जिसमें फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दें तो सेकंड फंक्शन का अवकलन होगा 1/2 × 1 - x का रूट, और अंदर है
वन माइनस एक्स जिसका अवकलन होगा माइनस एक। इसी प्रकार वन माइनस एक्स के रूट को छोड़ देते हैं और सिर्फ रूट एक्स का अवकलन बनेगा वन अपॉन टू रूट एक्स। जिसको थोड़ा ठीक किया जाए तो एफ डैश एक्स का मान होगा वन माइनस टू एक्स अपॉन टू इंटू एक्स इंटू वन माइनस एक्स का रूट, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर दो। अब एफ डैश एक्स के मान पर हम विचार करते हैं लेकिन अंतराल जीरो एक के खुले रूप पर। यदि आप ध्यान दें तो यहाँ पर x का मान जीरो या एक रखने पर हमें हर में प्राप्त होगा जीरो, जिससे f डैश x का मान अनंत मिलेगा। लेकिन जीरो और एक इस अंतराल में शामिल नहीं है, इसका मतलब इसके अलावा प्रत्येक बिंदु पर f डैश x का मान एक वास्तविक संख्या होगी। अतः हम कह सकते हैं कि f डैश x का मान इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर वास्तविक संख्या होगा। इसलिए दिया गया फलन fx खुले अंतराल 0-1 में अवकलनीय होगा। इस प्रकार रोल प्रमेय की दूसरी शर्त भी पूर्ण होती है। तीसरी शर्त के लिए हम f0 और f1 का मान ज्ञात करते हैं, जो कि हमें प्राप्त होंगे 0 इंटू 1 माइनस 0 का रूट, यानी ओवरऑल वैल्यू होगी 0। इसी प्रकार f1 का मान होगा विद इन द रूट, यानी कि 0। इस प्रकार f0 इक्वल होगा f1, यानी रोल प्रमेय की तीसरी शर्त भी पूर्ण होती है। इसलिए खुले अंतराल 0-1 में कम से कम एक बिंदु C ऐसा अवश्य होगा जिस पर f डैश C इक्वल 0 हो, और f डैश x का मान हमने समीकरण दो में पहले से ही ज्ञात कर रखा है। तो उसमें x के स्थान पर c रख दें तो हमें प्राप्त होगा f डैश c, यानी 1 माइनस 2c अपॉन 2 इंटू c, 1 माइनस c विद इन द रूट इज इक्वल 0, जिसमें वज्र गुणन से हमें प्राप्त होगा 1 माइनस 2c इक्वल 0, या यूं कहें यहाँ से c का मान प्राप्त होगा 1/2, जो कि निश्चित तौर पर 0 और 1 के मध्य स्थित है। इसलिए दिए गए फलन के लिए रोल प्रमेय सत्यापित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फलन है कोस 2x, और कोस फलन सर्वत्र सदद और अवकलनीय होते हैं। अतः यह विशेष रूप से दिए गए बंद अंतराल में सतत और खुले अंतराल में अवकलनीय होगा। इस प्रकार रोल प्रमेय की पहली दो शर्तें पूर्ण होती हैं। अब बात करते हैं तीसरी शर्त, जिसके लिए हमें ज्ञात करना होगा f0 और f पाई। f0 का मतलब होगा cos 0 और f पाई का मतलब होगा cos 2 पाई, जिसकी वैल्यू हमें प्राप्त होती है 1 और 1। इसका मतलब f0 इक्वल होगा f पाई, यानी रोल प्रमेय की तीनों शर्तें पूरी होती हैं। इसलिए खुले अंतराल 0 पाई में कम से कम एक बिंदु C ऐसा अवश्य होगा जिसके लिए f डैश C का मान 0 हो। और अब f डैश C के लिए हम दिए गए फलन का अवकलन करते हैं, जो कि हमें प्राप्त होगा कोस का माइनस साइन, और अंदर है 2x जिसके स्थान पर हम लिख देंगे 2c। और अब यदि 2x का अवकलन किया जाए तो हमें प्राप्त होगा 2 और इक्वल 0, जिसको आगे हल करें तो भाग देने पर साइन 2c का मान प्राप्त होगा 0। इसका मतलब अंदर वाला कोण यानी 2c या तो 0 डिग्री होगा या पाई, अन्य कोण भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे दिए गए अंतराल में सिर्फ यही मान फिट बैठ रहे हैं। इससे c का मान या तो 0 प्राप्त होगा या पाई बटे 2, लेकिन 0 दिए गए अंतराल 0 पाई में शामिल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ लेंगे पाई बटे 2, जो कि 0 और पाई के मध्य में कहीं स्थित होगा। अतः हमें एक बिंदु ऐसा मिल रहा है जिसके लिए f'c का मान 0 होगा। इसका मतलब दिए गए फलन के लिए रोल प्रमेय सत्यापित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फलन है x प्लस 1/x, जो कि सर्वत्र सतत फलन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि हम इस अंतराल पर ध्यान दें तो इसमें 0 नहीं है, और केवल 0 पर ही इस फलन का मान अनंत होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दिए गए अंतराल में इस फलन का मान हमेशा वास्तविक होगा, और इस आधार पर दिया गया फलन इस अंतराल में
सतत होगा। इस प्रकार रोल प्रमेय की पहली शर्त पूर्ण होती है। अगली शर्त के लिए हम इस फलन को यदि ध्यान से देखें तो यह सर्वत्र अवकलनीय फलन के रूप में भी वर्गीकृत नहीं हो सकता, अतः हम इसका एक बार अवकलन करके एफ डैश एक्स का मान ज्ञात करते हैं। इसलिए एफ डैश एक्स होगा एक्स का अवकलन एक और एक बटे एक्स का अवकलन होगा माइनस एक बटे एक्स स्क्वायर। जिसको हल करें तो हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक बटे में एक्स स्क्वायर, जिसको नाम देते हैं समीकरण दो और सामने लिखते हैं कुल अंतराल 1-3। अब यदि एफ डैश एक्स को भी ध्यान से देखें तो केवल x बराबर 0 पर इस फलन का मान अनंत होगा, जो कि 0 बिंदु इस अंतराल में शामिल ही नहीं है। इसका मतलब इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर एफ डैश एक्स का मान हमेशा वास्तविक संख्या होगा। अतः इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि दिया गया फलन इस अंतराल में अवकलनीय होगा। इस प्रकार दिए गए फलन के लिए लैग्रांज प्रमेय की दोनों शर्तें पूर्ण होती हैं। इसलिए खुले अंतराल 1-3 में न्यूनतम एक बिंदु सी ऐसा होगा जिसके लिए एफ डैश सी इक्वल होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, जिसमें एफ डैश एक्स का मान हमने समीकरण दो में ज्ञात किया है। तो हमें प्राप्त होगा सी स्क्वायर माइनस वन अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल एफ बी का मतलब एफ तीन और एफ ए का मतलब होगा एफ एक अपॉन बी माइनस एक का मतलब बन जाएगा 3-1। जिसको यदि हल करें तो लेफ्ट हैंड साइड में नो चेंज, राइट हैंड साइड में है एफ तीन जिसका मतलब बनेगा 3+1/3 और एफ एक का मतलब बनेगा 1+1/1 और बटे में होगा 2। जिसको हम हल करें तो हमें प्राप्त होगा 10/3 माइनस 2/2। जिसको यदि और अधिक हल किया जाए तो हमें प्राप्त होगा 4/3/2, जिससे ओवरऑल उत्तर प्राप्त होगा 2/2, जो कि सी स्क्वायर माइनस वन अपॉन सी स्क्वायर का मान होगा। वज्र गुणा करें तो 3c² - 3 इक्वल 2c², यानी कि सी स्क्वायर का मान प्राप्त हो जाएगा 3। जिसको और अधिक हल करने पर c का मान प्राप्त होगा +-√3, जिसमें से √3 खुले अंतराल 1-3 में शामिल होगा। इसलिए दिए गए फलन के लिए लैग्रांज प्रमेय वैध होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फलन है x²-4/x-1, जो कि सर्वत्र सतत फलन के रूप में वर्गीकृत नहीं है। अब हम यदि इस बंद अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर इस फलन के मान पर विचार करें तो हमें x=1 पर, जो कि इस अंतराल में शामिल है, इस फलन का मान अनंत होगा। इसका मतलब x=1 पर फलन परिभाषित नहीं है, या यूं कहें कि दिए गए अंतराल में फलन सतत नहीं होगा। इससे लैग्रांज प्रमेय की सभी शर्तें पूर्ण नहीं होती, अतः दिए गए फलन के लिए लैग्रांज प्रमेय वैध नहीं है, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फलन एक 2 घात का बहुपद फलन है, जो कि सर्वत्र सतत और अवकलनीय होता है। अतः यह विशेष रूप से दिए गए अंतराल -2-3 में सतत और खुले अंतराल में अवकलनीय होगा। इससे लैग्रांज प्रमेय की दोनों शर्तें पूर्ण होती हैं। इसलिए खुले अंतराल -2-3 में न्यूनतम एक बिंदु C ऐसा होगा जिसके लिए एफ डैश सी इक्वल होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, जिसमें एफ एक्स का अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा 2x-3। तो एफ डैश सी का मान होगा 2c-3 इक्वल एफ बी का मतलब है एफ तीन और एफ ए का मतलब है एफ माइनस 2, और ए और बी के मान रखें तो 3 और -2। जिसको आगे हल किया जाए तो 2c-3 इज इक्वल एफ तीन का मान इस फलन से
दो होगा और एफ माइनस दो का मान इस फलन से 12 होगा और बटे में हमें प्राप्त होगा 5, जिसको आगे हल करें तो 2c माइनस 3 इक्वल प्राप्त होगा माइनस 2, जिसको आगे हल करें तो c का मान हमें प्राप्त होगा 1/2, जो कि निश्चित तौर पर माइनस 2 और 3 के मध्य की कोई संख्या होगी, अतः दिए गए फलन के लिए लांगराज प्रमेय वैध है, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फलन है 1/4x-1, जिसका हर है 4x-1, और यदि इसको रखें 0 तो यहाँ से x का मान प्राप्त होगा 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि 1/4 पर फलन का मान हमें अनंत मिलेगा, लेकिन 1/4 इस अंतराल में शामिल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि दिए गए बंद अंतराल में इस फलन का मान सदैव वास्तविक होगा, इसलिए दिया गया फलन बंद अंतराल 1-4 में सदैव सतत होगा, जिससे लांगराज प्रमेय की पहली शर्त पूर्ण होती है। दूसरी शर्त के लिए यदि हम ध्यान दें तो fx सर्वत्र अवकलनीय फलन के रूप में वर्गीकृत नहीं हो सकता। इसके लिए हम f' का मान ज्ञात करते हैं, जिसको अवकलन करने के लिए हम 1/fx के रूप का सारा लेंगे, तो इसका अवकलन प्राप्त होगा -1/fx² और उसके साथ साथ 4x-1 यानी fx का अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा 4, जिससे ओवरऑल वैल्यू प्राप्त होगी -4/4x-1², जिसको नाम देते हैं समीकरण 2, और इस बार खुला अंतराल लेंगे 1-4। फिर से f' का मान x=1/4 पर ही अनंत होगा, जो कि इस खुले अंतराल में शामिल नहीं है, अतः इस खुले अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर f' का मान वास्तविक होगा। इसलिए खुले अंतराल 1-4 में दिया गया फलन fx अवकलनीय होगा। इस प्रकार लांगराज प्रमेय की दोनों शर्तें पूर्ण होती हैं, इसलिए खुले अंतराल 1-4 में न्यूनतम एक बिंदु c ऐसा अवश्य होगा जिस पर f'c इक्वल हमें प्राप्त होगा fb-fa=b-a, जिसमें f'c का मान इक्वेशन नंबर 2 से यदि हम ज्ञात करें तो प्राप्त होगा -4/4c-1² और fb का मतलब होगा f4, fa का मतलब होगा f1 और 4-1, जिसमें दिए गए फलन से f4 का मान प्राप्त होगा 1/15, f1 का मान प्राप्त होगा 1/3 और 3। 3 का वज्र गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा -12/4c-1² और शेष बचा 1/15-1/3, जिसको एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 15 × 3 और 3-15, यानी कि ओवरऑल वैल्यू प्राप्त होगी -12/45, और इससे -12 से -12 कैंसिल हो जाएगा और वज्र गुणा करने पर 4c-1² प्राप्त होगा 45, जिसे यदि a-b के होल स्क्वायर से ओपन करें तो हमें प्राप्त होगा 16c²-8c+1=45, जिससे नेक्स्ट स्टेप बनेगा 16c²-8c-44=0, जिसमें भाग दें 4 का तो हमें प्राप्त होगा 4c²-2c-11=0, जो कि एक द्विघात समीकरण है, जिसे श्री धराचार्य सूत्र से हल करें तो हमें प्राप्त होगा c=b±b²-4ac √2a, जिसको आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 1±3√5/4, जो कि c के मान होंगे, जिसमें से एक बार लेते हैं प्लस और एक बार लेते हैं माइनस, लेकिन माइनस वाला पद 1-4 के मध्य स्थित
नहीं होगा, इसलिए सी इज इक्वल 1 + 3√5/4 जो कि 1, 4 के बीच में स्थित है, सी का मान होगा। अतः दिए गए फलन के लिए लांगराज प्रमेय वैध है और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। इस प्रकार हमने प्रश्नमाला 7.6 को पूर्ण कर लिया है। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।